सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इंडियन वैगनर की जापानीज वैगनर के साथ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। आप में से कुछ लोगों ने हमेशा सोचा होगा और मैंने भी सोचा था कि क्यों मारुति सुजुकी जापान के लिए सुजुकी जो गाड़ी बनाता है वो गाड़ी क्यों भारत में लॉन्च नहीं करता है, और उनकी गाड़ी में जो प्रीमियम लुक और फील देता है वो इंडियन मारुति सुजुकी में देखने को नहीं मिलता है। और मारुति को क्यों भारत के लिए लोकलाइज वैगनर बनानी पड़ी, क्यों मारुति ने जापानी सुजुकी वैगनर को इंडिया में नहीं लाया, आइए ये पता लगाने के लिए प्राइस स्पेसिफिकेशन फीचर की कंपैरिजन करते हैं। दोनों मॉडलों की प्राइसों के बारे में बात करें तो 2019 मारुति सुजुकी वैगनर की प्राइस 5.53 लाख टू 7.41 लाख एक शोरूम तक है। ये प्राइस स्टेट बाय स्टेट अलग हो सकता है। और जापानीज 2017 सुजुकी वैगनर की प्राइस इंडियन रुपीस में 7.05 लाख टू 10.4 लाख तक है। मारुति इंडियन स्टैंडर्ड के लिए गाड़ी की कॉन्सेप्चुलाइजिंग, डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग करके वैगनर को बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस देने में कैपेबल हुआ है। बिल्ड क्वालिटी फीचर ऑन ऑफर, सेफ्टी इक्विपमेंट डेफिनेटली जापानीज कार पर अवेलेबल जैसा नहीं होगा। लेकिन कितने लोग इन फीचर के लिए एक कार के लिए लगभग डबल प्राइस चुकाने को तैयार होंगे। दोनों गाड़ियों की डायमेंशन के बारे में बात करें तो मारुति सुजुकी वैगनर की लेंथ 3655 मिलीमीटर और जापानी सुजुकी वैगनर की लेंथ 3395 मिलीमीटर है। इंडियन वैगनर की विथ 1620 मिलीमीटर और जापानीज वैगनर की विथ 1475 मिलीमीटर है। इंडियन वैगनर की हाइट 1675 मिलीमीटर और जापानीज वैगनर की हाइट 1650 मिलीमीटर है। इंडियन वैगनर की व्हील बेस 2435 मिलीमीटर और जापानीज वैगनर की व्हील बेस 2460 मिलीमीटर है। व्हील बेस को छोड़कर इंडियन वैगनर जापानीज वैगनर से बड़ी है। मेड इन इंडिया या फिर मेड फॉर इंडियन वैगनर 4-5 लोग आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन जापानीज कार ज़्यादातर 2 लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। जापानीज वैगनर में एडजस्टेबल रियर सीट्स है जिन्हें 4 लोगों के लिए बैठने के लिए आराम से पीछे धकेला जा सकता है, लेकिन पहले से ही छोटा बूट को खा जाता है। जापानीज वैगनर का डैशबोर्ड पर अलग अलग डिजाइन एलिमेंट्स के साथ एक बहुत ही प्रैक्टिकल लेआउट है। सेंट्रली प्लेस्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इंडिया में काम नहीं करेगा। वाइड एसी वेंट्स के नीचे टेबल टॉप स्टोरेज स्पेस यूज हो सकता है, लेकिन लॉकेबल कंपार्टमेंट्स इंडिया में ज़्यादातर कार यूजर्स द्वारा प्रेफर किया जाता है। दोनों गाड़ियों की इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो इंडियन मारुति सुजुकी वैगनर में 2 इंजन ऑप्शन के साथ आता है, 1.0 लीटर 3 सिलेंडर और 1.2 लीटर 4 सिलेंडर, और जापानीज वैगनर का 0.7 लीटर 3 सिलेंडर हाइब्रिड वेरिएंट्स प्लस इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर का भी ऑप्शन मिलता है। इंडियन वैगनर की पावर 68 PS से 82 PS तक है और जापानीज वैगनर की पावर 52 PS है। इंडियन वैगनर की टॉर्क 90 Nm से 113 Nm तक है और जापानीज वैगनर की टॉर्क 60 Nm है। इंडियन वैगनर की ट्रांसमिशन 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड AMT और जापानीज वैगनर की ट्रांसमिशन 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड CVT। इंडियन वैगनर की ड्राइव फ्रंट व्हील ड्राइव है और जापानीज वैगनर की ड्राइव फ्रंट व्हील ड्राइव एंड ऑल व्हील ड्राइव में अवेलेबल है। इंडियन वैगनर जापानीज वेरियंट से ज़्यादा पावरफुल है। जापानीज कार एक्सपेंसिव CVT माइक्रो हाइब्रिड और फुल टाइम ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ भी अवेलेबल है, जो भारत में इतना सेंस नहीं बनता है। ज़्यादा अफोर्डेबल 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स वैगनर में अवेलेबल है, जिससे गाड़ी का कॉस्ट थोड़ा कम हो जाता है। हम इस बात पर हंगामा कर सकते हैं कि इंडिया के वैगनर जापानीज वैगनर जैसा क्यों नहीं है, लेकिन मारुति सुजुकी जानता है कि वो क्या कर रहा है। सो गाइस, आई होप यू एंजॉय द वीडियो, एंड अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है। एंड थैंक यू, मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में।